हाय गाइस, मैं आज आप लोग के साथ मटन बिरयानी डेगी स्टाइल। 1 किलो चावल मैंने लिए हैं 1050 ग्राम, जिसमें 50 ग्राम ये बॉक्स और 1000 ग्राम यानी 1 kg राइस है, जिसमें जाएगी इंशाल्लाह ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मटन है। इसमें कुछ मटन कढ़ाई भी बनेगी। तो मैं आज आप लोग के साथ एथेंटिक रेसिपी मटन बिरयानी डेगी स्टाइल, बहुत आसान। चावल 2-3 दफ़ा वाश करना है और फिर तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने पानी में रखना है। और इसी 20 मिनट में मैंने इस मटन को तैयार करना है, काटना है और इसको किस तरीके से बनाना है, बॉयल करना है, किस तरह इसकी यखनी बनाना है, वो आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग फॉलो करें और ये देगी स्टाइल बिरयानी आप बनाएं, ये वो बिरयानी जो आप लोगों ने बड़े इवेंट्स, बड़े रेस्टोरेंट में अक्सर खाए होंगे और आप सोचते होंगे कि ये किस तरह बनती है। तो आज आपके साथ इंशाल्लाह वो ज़ाहिद खान किचन सीक्रेट के प्लेटफॉर्म से पूरा सही जो ऑथेंटिक रेसिपी है मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने मटन इसी तरह काट दिया। 1 किलो चावल के लिए मैंने ये 1.5 प्याज लिया है। किस तरह काटना है आपको बताने लगा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप नोट करते जाइए, चेक करते जाइए और आप ट्राई करके एक दफ़ा ज़रूर ये बिरयानी बनाएँ। इसी तरह स्लाइस काट दिया मैंने। 1 प्याज मैंने काटना है और इसमें से मैंने जो हाफ प्याज है वो रखना है, वो बाद में गार्निश के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आगे किस तरह यूज़ करना है। अभी इसी अवान में जो है मैंने थोड़ा सा ऑयल लेना है, क्योंकि जो मटन है वो ऑलरेडी फैटी है, उसमें फैट्स बहुत है, ठीक है। तो मैंने बस थोड़ा सा तकरीबन 1 स्पून जो है वो ऑयल लेके इसमें प्याज डाल दिए है। ये प्याज मैंने इतना फ्राई करना है कि बस थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि आप लोगों ने इसको फ्राई, हाफ फ्राई या नहीं करना, जिस तरह पुलाव के लिए है, बस जस्ट थोड़ा सा कलर चेंज। और यहाँ पर मैंने मटन ऐड कर दिया है। इस मटर को ऐड करने के बाद थोड़ा सा आपने हिलाना है इसी तरह और तकरीबन 5-6 मिनट देना है और उसको थोड़ा सा कवर कर दे। कवर करने के बाद आप देखें 3 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे सॉल्ट हस्ब ज़रूरत, मैंने तो 2 टेबल स्पून यूज़ किया है। आप देखो जितना आपने बनाना है। इस बिरयानी को, इस रेसिपी को देखने के बाद आप चाहे 10 किलो बिरयानी बनाए, 50 किलो बनाए, 5 किलो बनाए, सेम क्वांटिटी जाएगी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट, जो मैं चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ वो है स्टेप बाय स्टेप। इसी तरह आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बेहतरीन बनेगी। आप घर में रेस्टोरेंट वाली और देगी बिरयानी बनाएंगे। आप मटन देखो तो इसका कलर चेंज हो गया और मैंने यहाँ मसाले डालने हैं, जिसमें ब्लैक कार्डमम 1 पीस है, 2 जो है ग्रीन कार्डमम यानी सब्ज़ इलायची है, साथ में 1 टेबलस्पून धनिया, 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 3 करी पत्ते हैं, 1 बात यानी फूल, 3 लवंग और तकरीबन ये 2 सिनेमन स्टिक है, जो मैं अभी आप लोगों के सामने ये ऐड कर रहा हूँ। ये बात यानी फूल, लवंग और सिनेमन स्टिक यहाँ पे इसी स्टेज पे आपने ये ऐड करना है, ताकि मटन में जो फ्लेवर है मसालों का वो आ जाए। और अभी यहाँ पे मेरे पास जो बिरयानी मसाला है 2 टेबलस्पून मैंने डालना है, इससे जो यखनी बनेगी। और मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह जो है आपने बिरयानी बनानी है। 2 टेबलस्पून रेड चिली मैंने यूज़ किया है, स्पाइसी, ठीक है। अभी जो गोश्त है उसमें ये सारे मसाले डाल के उसका अपना फ्लेवर बनेगा। मैंने 2 गिलास पानी ऐड कर दिए हैं और फिर मैंने कवर कर दिया तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट बाद आप देखें तो मटन देके अल्हम्दुलिल्लाह ये आलमोस्ट गल गया है, पक गया है। अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ और ये यखनी भी मैं इससे निकालूँगा सेपरेट। आप देखो गोश्त के जो कलर है ज़बरदस्त, आप इसी तरह भी अगर ये खाएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो चावलों में तो अलग ही मज़ा होगा। अभी चावल देखो दोनों सेम जो बर्तन है मैंने डाल दिए है, ये चावल भी यखनी भी। जितने चावल है आपने उतने ही यखनी लेना है, कोई कम ज़्यादा ना हो। अभी यखनी मैंने इधर ऐड कर दी है और अभी आपको बताऊँगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ जो टोमेटो है इसी तरह काट के इसमें डाल दिया है और इसके साथ साथ जो है ग्रीन चिली में ऐड करने जा रहा हूँ 2। यहाँ पे थोड़ा सा अभी हाई फ्लेम पे मैंने जो चावल थे वो भी ऐड कर दिए हैं और आलमोस्ट जो हाई फ्लेम पे इस वक्त आपने 5 मिनट देखना। यहाँ पे एक जो स्टेज है ये आप लोगों को नोट करना है। 3 मिनट बाद मैंने जो कवर हटा दिया तो आप देखें तो जितने चावल उतना मैंने यखनी डाला हुआ है। तो अभी इसके बाद आप लोगों ने बिल्कुल कवर नहीं करना है, कोई चीज़ ऊपर नहीं रखनी है और हाई फ्लेम पे आपने इसी तरह आराम आराम से आप देखो तो बिल्कुल केले केले जिस तरह बिरयानी के चावल होते हैं ये उसी तरह बनने जा रहे हैं। तो आपने हाई फ्लेम पे कवर नहीं करना जब तक मैं न बताऊँ। आप देख लीजिए किस स्टेज पे आपने कवर करना है और किस तरह आपने आगे जाके जो है बिरयानी बनानी है। ये बड़ा सिंपल और ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी क्ले रेस्टोरेंट से आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, जो चाइना खान का एक बहुत बड़ा इंडियन रेस्टोरेंट है, मैं उधर काम करता हूँ। ठीक है, आप चावल देखो, चावल इतने ज़बरदस्त लंबे और केले। अभी जो यखनी है वो आपको जब बिल्कुल ख़त्म नज़र आए ऊपर से तो आगे आपको बताऊँगा करना क्या है इसके साथ। आप देखें चावलों को, अल्हम्दुलिल्लाह चावल ज़बरदस्त जो है वो बिरयानी की तरह नज़र आते होंगे आपको। यहाँ पे मैंने मटन ऊपर जो है वो डाल दिया है, इसी स्टेज पे आपने मटन रखना है। ठीक है, और मैंने टोमेटो जो हाफ पहले डाला था वो हाफ में से अभी यहाँ ऊपर डाल दिया मैंने। और साथ साथ में मैं अभी आगे आप देखिए ना, तो जो ओनियन मैंने आपको हाफ एक प्याज मैंने रखा था, इसी स्टेज पे आपने यहाँ पे डालना है। एक लेमू का जो है पीस भी डाल दिया। साथ में जो फूड कलर है बिरयानी का वो इस स्टेज पे आपने करना है, क्योंकि यखनी बिल्कुल ख़त्म हुई है चावलों में। ठीक है, नीचे सिर्फ थोड़ी सी यखनी है और इस स्टेज पे आपने 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे आपने इसको रखना है। आफ्टर 10 मिनट आप देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह इतना आसान और ऑथेंटिक रेसिपी आप लोगों को कहीं भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। तो मैंने बड़ी मेहनत करके ये वीडियो सब उन लोगों के लिए बनाया है जो बिरयानी के शौकीन है और वो घर में अपने फैमिली और बच्चों के लिए बिरयानी वो जो रेस्टोरेंट या बड़े इवेंट में वो खाते हैं वो बनाएं। तो इंशाल्लाह इसी रेसिपी को आप फॉलो करें। बहुत सिंपल, बहुत आसान बट ऑथेंटिक और बड़ा ही ज़बरदस्त खुशबू इस वक्त इस बिरयानी की है। मटन की यखनी में देखो बिल्कुल अलग अलग चावल, कोई पुलाव की तरह उसी तरह चपके वो नहीं है। ठीक है, एंजॉय करें। मैं डिश आउट करता हूँ, आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बिरयानी जस्ट इन 30 मिनट। टोटल 30 मिनट इसने लिया, 20 मिनट गोश्त ने और 15 मिनट गोश्त ने लिया है और जो आफ्टर वो 15 मिनट है वो आगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी उम्मीद है अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों ने इस रेसिपी के हिसाब से बिरयानी बना दी तो आपको बड़ा मज़ा आने वाला है। इसी तरह आपने प्लेट में गार्निश करके सर्व करना है। सो एंजॉय करें और ज़रूर बनाएं रेसिपी को। अगर पसंद है तो आप लाइक करें, शेयर करें और किसी ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक अलग रेसिपी के साथ आप लोगों के सामने में हाज़िर हो जाऊंगा। देखो चलो, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।